Get ready! On your mark! Set! Go! चलते हैं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से ब्रेन वीक हो जाता है और मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं नहीं आऊंगी। सारे स्पोर्ट्स में हमारी टीम जीत रही है। क्या हमारी बकवास टीम? तो फिर वो देखो, वो जो वहाँ दिख रहा है ना, वो है बकवास नंबर वन। और वो जो दिख रहा है ना वहाँ पर, वो है बकवास नंबर टू। और उसके आसपास जो खड़े होकर सब चिल्ला रहे हैं ना, वो सब उन्हीं के बेवकूफ फ्रेंड्स हैं। उनका खेल देखने जाऊं मैं? नो, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। Attention students, we are going to have prize distribution now. You are requested to come to the auditorium. Hey, अरे तू यहाँ बैठना यार। अरे बैठना, तू क्या लड़कियों से डरता है? चल बैठ। वो बात नहीं है यार। एक चल उठना यार, क्या कर रहा है? चल। इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स में आज सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तू इन लोगों को देख के डर रहा है? शेक हैंड करेंगे ना तो हमें ही शक्ल लगेगी। ए मटन शॉप, तुझे ही कह रहे हैं, अपनी शक्ल देखी आईने में। ए तू जान अपना कप ले ले यार। ए मेरे दोस्त को जानती हो? बॉक्सिंग में चैंपियन है। तो क्या हुआ, उसे हिंदी में 3 मार्क्स मिले थे। बैडमिंटन में फर्स्ट प्राइज मिस्टर रवि कुमार। थैंक यू। देखी ना, बैडमिंटन में स्टेट फर्स्ट। इंग्लिश में 2 मार्क्स। बास्केटबॉल चैंपियन। थैंक यू सर। थैंक यू। देखा ना, बास्केटबॉल चैंपियन। डांस में 0। क्रिकेट में फर्स्ट प्राइज मिस्टर रवि कुमार। थैंक यू। थैंक यू सर। क्रिकेट में भी फर्स्ट। इकोनॉमिक्स में फेल। थैंक यू। इंटर कॉलेज बैडमिंटन सेकंड प्राइज मिस्टर अनु, इज फ्रॉम सेंट एलेक्स कॉलेज। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम सबकी तरफ से इन्हें बहुत-बहुत बधाई हो। कभी देखा इसे? शील्ड कहते हैं। फर्स्ट ईयर बीकॉम में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई वसुंधरा को हमारे प्रिंसिपल सर शील्ड देंगे। कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे क्यों आए हो, स्पीच देने ना? हाँ सर, आपने सबको प्राइज दिया है, कम से कम ये स्पीच तो मैं। आई एम अ ग्रेट प्रिंसिपल and you are dabba lecturer. Be in your limits, understand? समझ गया सर। बहुत बड़ा स्पीच लिख कर लाए हो, हाँ? हिंदी में है? हाँ सर। आज के जमाने में कोई हिंदी में स्पीच देता? ओह, I'm sorry, तुम इंग्लिश में वीक हो। एक काम करो, मेरा स्पीच खत्म होने के बाद तुम अपना स्पीच दे देना। तब तक कौन रहेगा सर? यू। एक काम कीजिए सर, आप इंग्लिश में स्पीच दीजिए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। बढ़ा कर नहीं, सिर्फ ट्रांसलेट करना, और नाटक नहीं चाहिए। जितना लिखा है उतना ही बोलना, वरना जानते हो ना मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शुरू करो। हाँ शुरू करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थी विद्यार्थिनियों और संभावित देवताओं। देवताओं का नाम मैंने लिया था क्या? मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है सर। जरूरत नहीं है। हाँ। मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वही कहते जाओ चुपचाप। ठीक है सर। टुडे, आज के दिन, अवर कॉलेज डे, हमारा कल्चर का दिन है। You know, आप लोग नहीं, not no, no, वो नहीं, नहीं, it's not no, K-N-O-W, no, ये वो नहीं नहीं है,
ये जानना मतलब जानना, जानना है ये वो जानना है। You are mistaken. तुमने गलती की है। Shut up. चुप हो जाओ। Not them you. आप लोग नहीं आप। Not me you. मैं नहीं आप। ओके कॉम्प्रोमाइज। ठीक है समझौता। द होल कॉलेज, कॉलेज में एक बड़ा छेद हो गया। होल होल छोटा छेद नहीं बड़ा छेद। यू मिस्टर बेवकूफ, ये सम्मान आप लोगों को नहीं ये मुझे दे रहे हैं। कितना बड़ा सम्मान है। होल कॉलेज, इस कॉलेज में छेद है। आई एम रिजाइनिंग। हाँ तो मैं बनूंगा प्रिंसिपल। मैं कॉलेज से नहीं स्टेट से रिजाइन कर रहा हूँ। जो भी हो, हमारे प्रिंसिपल साहब ने बहुत जल्द भाषण खत्म कर दिया। अरे नहीं, मुझे अभी और बोल रहा है। प्रोग्राम शुरू करें सर। कौन सा प्रोग्राम? प्रोग्राम शुरू करें सर। तुम जो चाहती हो वो जरूर करेंगे। लाइट्स ऑफ। दादाजी मामा, कमाल है, घर में कोई भी नहीं है, कहाँ चले गए? थैंक यू कांग्रेट्स। थैंक यू आपको कैसे पता चला? क्या हो गया? बॉक्सिंग दादाजी, बॉक्सिंग। अरे बेटा, ये मार पीट वाला खेल खेलना जरूरी है क्या? डैडी कहाँ पर है? क्या कह रहे हो, मैच देखने नहीं गए थे क्या? हेलो निकलसन, जेसिका, रवि बात कर रहा हूँ, डैडी के साथ कनेक्ट कर दो ना। सॉरी सर, उन्हें तो आप जानते हैं ना, काम के समय कोई कॉल नहीं लेते। कोई बात नहीं, मैं उन्हें फोन करता हूँ। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइस रेटिंग इन द पोस्ट बजट सेशंस, ट्रेडर्स ऑफ द बोथ एनएससी एंड एक्सक्यूज मी सर, ओके बीएससी इन वर्क इन। हेलो हेलो डैडी, मैं, हेलो रवि, दिस इज विलियम, डैडी मीटिंग में है, मैं जानता हूँ, उन्हें फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। सॉरी रवि, मैं अभी उनको फोन नहीं दे सकता हूँ। It's an order. Go and give it to him. लेकिन मैं भी just gave it to him. Okay. We'll put it in the place on Monday. With Tuesday being a holiday, sir, there'll be action from Wednesday onwards. Excuse me. Hello, Daddy. मैं हूँ। फोन रखो। Daddy मेरी बात तो सुनिए। आज कॉलेज में। फोन रखने के लिए कहा ना? Daddy. फोन रखो idiot. हाय बेबी। दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? लेक्चरर को बेबी बेबी कहकर बुला रहे हो? व्हाट मैडम, व्हाट हैपेंड? सर ये मेरा दोस्त है, इसे पता नहीं था ये लेक्चरर है। स्टूडेंट समझ कर बेबी कहा सर? बेबी? लेक्चरर है पता चलता तो इन्हें मम्मी बोलते क्या? सही हो भाई, कभी क्लास में आओगे तभी तो पता चलेगा ना कि कौन लेक्चरर है और कौन स्टूडेंट है। अरे ये क्या कर रहा है यहाँ पर? जरा कंधे पर से हाथ हटाओगे? सॉरी सर, मैंने आपको स्टूडेंट समझ लिया। समझ लिए थे, कॉलेज ज्वाइन करते समय कॉलेज आया था, कैसे पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट है कौन लेक्चरर? चलो जाओ अपनी जगह खड़े हो जाओ, जाओ कम ऑन, चलो लाइन में खड़े हो जाओ, सभी लोग कहो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते मैडम। क्या मस्त बोला सर। अरे मुझे नहीं कहना है, तुम लोग बोलो। नमस्ते मैडम। वेरी गुड, अभी तुम सब जाओ। हां ए आजा, चल 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 चल, देखते हैं। चल 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 चल, ए ए चल चल चल, ए चल चल सीधा चल, चल भाई इसे हम लेकर आ गए। अरे वो सब छोड़ो, दाना कहाँ है? दाना? हाँ दाना कहाँ गया? ए तूने दाना खाया क्या? भाई दाना भी कोई खाता है क्या? टू मच। पैसे का क्या हुआ बे? कैब नहीं चल रहा है भाई, उसे भाड़ा देना पड़ेगा। तो फिर मेरा पैसा? पैसा नहीं है भाई। तो फिर ये बता पैसों का होगा क्या? क्या और टाइम चाहिए? ये कभी नहीं हो सकता, हमें सारे के सारे पैसे अभी चाहिए। चलो फोन करके पैसा लाने के लिए कह, चल करना। ए, मुझे हाथ मत लगाना, मैं एसपी को अच्छे से जानता हूँ, वो तुम सबको अंदर कर देगा। क्या कहा बे तूने? पैसा नहीं देगा, पॉकेट में आता है। पैसे तो मैं निकाल कर ही रहूंगी, कोई हमारे पैसे खा नहीं सकता। निकाल पैसे कहीं से मिला, पैसे तो चाहिए ही। तुझे तो मैं ठीक कहूंगी, पैसे नहीं देगा। पैसे नहीं देगा, फिर से एक बार बोल, बोल के दिखा के पैसे नहीं देगा। कहीं से भी पैसे ला कर दे, फोकट में नहीं आते हमारे पैसे, समझा क्या?
ठीक कर दूंगी इसे तो मैं, तुझे छोड़ूंगी नहीं। आईना कभी ऐसा बोला तो देख लेना, मार डालूंगी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तेरे। एलिफेंट पैसे नहीं देगा, बोल बोल बोल, पैसे नहीं देगा, छोड़ नहीं देगा, पैसा किस तरह से वसूल किया जाता है देख लिया ना तूने? गुड मॉर्निंग डैडी। रात को फोन क्यों किया था? जी वो बच्चे ने बॉक्सिंग में कप जीता था। तुम्हारे कप या जग जीतने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छे मार्क्स लेकर आओ और अच्छे से बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करके आओ। अपना बिजनेस भी डेवलप होगा और मैं भी खुश हो जाऊंगा। कल तुम्हारे फोन की वजह से 3 मिनट वेस्ट हो गए, फिर कभी ऐसा मत करना। अब तुम जा सकते हो। हाँ यार, मैंने वो देखा था पर मुझे वो ना पसंद नहीं आया। कल का लेक्चर तो मुझे लाइक नहीं है मेरे पास। हर पीरियड के पहले पढ़ाने के लिए हाथ पर लिखना पड़ता है, फिर थकान मिटाने के लिए सोडा पीना पड़ता है। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। पेन का इंक खत्म हो जाता है, दिमाग भी कमजोर हो जाता है। इस समय आके वहाँ आप लोग हमेशा लेक्चरर स्टाफ रूम में घूमते रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं, हम घूमते उमते नहीं है। नहीं तो क्या यहाँ पे बैठ कर इधर उधर की बातें करोगे? लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ पढ़ाई करो तो अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। अब यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ 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 जाओ, चलो जब देखो तब चले आते हैं। अरे फिर से वापस आ गए, अब चीटिंग कर रहे हो। अब हम कुछ भी करें उससे आपको क्या? तुमको शर्म नहीं आती? लेक्चरर गाइड देखकर कॉपी करेगा तो स्टूडेंट्स क्या देखकर कॉपी करेंगे? एमए के फाइनल ईयर एग्जाम में तुमने किसे देखकर कॉपी किया था? मेरे पेपर्स को ना। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम प्रिंसिपल बन गए और मैं लेक्चरर ही रह गया। तुम जैसे घसियारी की आंसर शीट से कॉपी किया तभी तो सिर्फ प्रिंसिपल बन पाया। अगर पड़ोस वाले से कॉपी करता तुम अब तक आईएएस ऑफिसर बन चुका होता। ज्यादा मत बोलो, फ्लैशबैक में देखो आप हमसे ज्यादा गंदे स्टूडेंट थे। लेकिन वो बात उस दिन की है जब मैं कह रहा था कि कहानी नहीं, फिल्मों में देवानंद को देखकर मैंने हाथ पर लिखना सीखा है, समझ गए? देवानंद वो कौन है भाई? देवानंद का ये गाइड है भाई, ओपनर को गावस्कर कहते हैं। तुम्हें इतना भी पता नहीं है और खुद को प्रिंसिपल कहते घूमते हो। अच्छा सुनो, अगर खुद को प्रिंसिपल मानते हो तो फिर एक काम करो, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बिना किताब के पढ़ा कर दिखाओ। ये सोहन बाबू अपना हेयर रिंग कटवा देंगे। चैलेंज चैलेंज 100% 100%। मैं तुम्हारे साथ क्यों चैलेंज करूं? चैलेंज हमेशा बराबरी वाले के साथ किया जाता है। तुम तो आफ्टर ऑल एक डब्बा लेक्चरर हो और मैं प्रिंसिपल हूं। तुम चाहे कितने भी चैलेंज के लिए बोलो, मैं सारे चैलेंज को मना करता हूं। मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है? धीरे धीरे अपनी नॉलेज कम करके एक दिन मैं भी प्रिंसिपल बन जाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं, पढ़ाई में अपनी लगन दिखाओ। लेक्चरर को कैसे परेशान करना है तुम लोग यही सोचते रहते हो ना, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। संजय एंड कंपनी बैलेंस शीट बाई चेक 45,000, चेक का मतलब बैंक में डिपॉजिट करना है। 1,65,000, 1,02,001,02,000। आपने गलत लिखा है सर। गलत किया है मतलब? देवानंद ने तो ऐसे ही लिखा था। इम्पॉसिबल, जो लिखा है बिल्कुल सही है। नहीं सर, एक बार फिर से देखिए ना, बैलेंस टैली नहीं होगा। गलत लिख दिया क्या? इसका मतलब वो देवानंद भी रॉन्ग है। वो क्या है कि तुम लोग का टेस्ट लेना चाहता था, इसे मैंने A+B स्क्वायर फार्मूला के आधार पर किया था। सर, अकाउंट्स में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। हाँ ठीक है, तुम यहाँ आकर के करके दिखाओ। इधर आओ, ये लो पेन, अभी पता चल जाएगा गलती मेरी है कि देवानंद की। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तुम मेरी बहुत अच्छी शिष्या हो। देखा, सबको इसके जैसी पढ़ाई करनी चाहिए। कॉपी करके पास कर सकते हो ये कभी मत सोचना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी एक बात याद रखो, अगर रिश्वत देकर तुम लोग लेक्चरर बन भी गए तो उसका नतीजा तुम लोग को बाद में भुगतना पड़ेगा।
एक लेक्चरर को कितना होमवर्क करना पड़ता है ये तुम लोग को अभी पता नहीं है। यार इस तरफ पास करना इधर पास कम ऑन यार हाँ जल्दी देख उसको ओ, ओ, क्या कर रहा है यार क्या है ये दिमाग खराब हो गया है क्या अगर बॉल जोर से लग जाती तो क्या होता सॉरी हाँ तुम सब लोग कॉलेज क्यों आते हो पढ़ाई करने पढ़ाई करने के लिए आज तक कभी भी तुम लोग क्लास में टाइम पर आए हो किसी लेक्चरर को सुना है सुनने की जरूरत नहीं आई एम क्लेवर सब जानता हूँ क्या जानता है रे तू तूने मुझे रे कहा हाँ रे रे कहा क्या कर लेगा तुम जैसे लोगों से मुझे बात ही नहीं करनी चल हट 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 बहुत मजाक उड़ाया तुमने मेरा इन लड़कियों की वजह से ही हमारे जैसे यूथ को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तुम यूथ हो क्या शे, रोज कॉलेज में आकर लेसन लिखना पड़ता है वेंकटेश कलम ने कहां तक सिखाया था क्या देख रहे हो है? कल कहां तक सिखाया था बताओ क्या सर आप रोज मुझसे ही क्यों पूछते हैं मैं तो हर रोज बताता हूँ आज तू बता क्या बताऊँ सर पूछिए मैंने कल कहाँ तक सिखाया था वो बताने के लिए बोल रहा हूँ सिखाने वाले को याद ही नहीं है तो सीखने वाले को कैसे याद रहेगा अच्छा हम भूल गए तो तुम याद नहीं दिलवाते कोई बात नहीं तुम लोग बहुत जानते हो ना रवि तुम बताओ कल मैंने कहाँ तक सिखाया था वो सर मतलब वो एक्चुअली वो किताब भी बहुत मोटी थी सर इसे पूछकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं सर ये लोग तो क्लास में ही नहीं आते हैं और ना ही पढ़ाई में ध्यान है आप बैट और बॉल के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए बिल्कुल सही जवाब देंगे हेलो यू आर इंसल्टिंग मी मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही इसके बारे में कह रही हूँ बकवास नंबर वन अब लगता है ये मेरे ऊपर उंगली उठा रही है इससे हमारे कॉलेज के चैंपियन से चैंपियन है तो उसके सर में सिंह है क्या मैं तुम लोगों की प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दूंगी चुपचाप बैठ जाओ कमीना मुझे कमीना किसने कहा क्लास में मुझे किसी ने कमीना कहा इसलिए लेक्चरर को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी मुझे माफी मांगनी पड़ेगी ओहो लड़कियों के मुंह तुम लगोगे माफी मैं मांगूंगा कमाल करते हो तुम तो एबीटीडीडीएसयू जिंदाबाद ये क्या है भाई हमारा यूनियन सर मैं प्रेसिडेंट हूँ ये सेक्रेटरी और ये जॉइंट सेक्रेटरी ये कब बना लिया तुम लोगों ने अभी बनाया सर वो येलो शर्ट वाला तुम्हारे खिलाफ है क्या तू ये पूरा बेंच ही दूसरा यूनियन है सर बहुत सही जा रहे हो इस देश में हर गली में एक यूनियन और पार्टी बन जाती है अरे तुम डर क्यों रहे हो यार तुम तो कॉलेज के चैंपियन हो तुमको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं किसे बुला अभी मुझे हाँ अभी अभी अरे जाना इसमें डरने की क्या बात है अरे तू जाना यार नहीं तो सबको बुला लेंगे तू जा सर यस अंदर आ जाओ सर ये सर सुन बेटा तेरे दादाजी ने ये कॉलेज बनवाया ये मैं मानता हूँ तेरे पिताजी कॉलेज को फंड देते रहते हैं ये भी मानता हूँ कह रहे थे कॉलेज का फंड बंद कर देंगे लेकिन क्यों सर इसलिए क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सातों के सातों सब्जेक्ट में फेल हो गए हो अब अगर तुम पास नहीं हुए तो कॉलेज का फंड बंद होना लाजमी है तो इसकी वजह सिर्फ तुम ही हो कि कॉलेज बंद हो जाएगा नहीं सर मैं मेहनत करके पढ़ाई करूंगा फेल होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है तुम अच्छा स्पोर्ट खेलते हो इसलिए मैं तुम्हें 10 मार्क्स दे देता हूँ तुम्हारे पापा फंड भेजते हैं इसलिए मैं 10 मार्क्स उसके दे देता हूँ लेकिन तुम्हें पास होने के लिए और 10 मार्क्स चाहिए होंगे लेकिन वो तुम्हें 10 मार्क्स में तभी दे सकता हूँ जब तुम पेपर में कुछ ना कुछ जरूर लिखो अगर पेपर खाली छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हें पास कैसे करवाऊंगा भाई नहीं सर मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ूंगा पक्का अरे मैंने मना किया ना पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है आंसर शीट में कुछ ना कुछ लिख के चले जाओ उसे व्हाइट मत छोड़ना बाकी मैं संभाल लूंगा लेकिन क्या लिखना है वेरी सिंपल क्वेश्चन पेपर मिलता है ना उसे तुम आंसर शीट में 3 बार कॉपी करके लिख देना उसके बाद तुम पास हो जाओगे क्यों है ना सिंपल देखो अब इस कॉलेज का भविष्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है वादा करो तुम इसे संभाल लोगे ना वादा करता हूँ सर कसम खाओ कसम से सर चूंटी काटो अब तुम जाओ थैंक यू सर ऐसे रहने से कोई फायदा नहीं है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सबका मुंह बंद कर सकते हैं पढ़ाई हाँ ये तो बहुत मुश्किल है यार अबे चल बे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं जा के मुझे नींद आने लगती है अरे चल रहा है कुछ नहीं होगा अरे काम आ रहा है मेरी बात समझने की कोशिश करो मेरी बात मान मैं ही ठीक कह रही हूँ तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं अरे छोड़ो ना ये डायग्राम देखो तो मेरी बात सुनना मैं सही कह रही हूँ नहीं साइलेंस देख यार यहाँ तो पूरा खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है पढ़ 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 क्या बात लिखी है बिल्कुल मजा आ रहा है पढ़ने में दिखा ये नीचे डाइन देख अरे यार इतनी किताबें पढ़ूंगा तो एक दिन मर ही जाऊंगा यार चल पढ़ाई करते हैं आजा सॉरी यहाँ सॉरी बोलने से क्या होगा पहले बुक्स उठाओ जल्दी क्यों रे उसका चेहरा क्यों देख रहा है क्या कहा रे इसे भी तुम रे कह रही हो हाँ रे तो क्या रे क्या कर लेगा ए तू बुक्स उठा
क्यों रे, शायद तुम लोग रॉन्ग एड्रेस पर आ गए हो। असल में तुम्हें जहाँ जाना है ना, वो प्लेग्राउंड वो वहाँ पर है। इसे ना लाइब्रेरी कहते हैं। ये ना स्क्वायर होती है और यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ बुक्स मिलती हैं। तुम लोगों को जहाँ जाना है वो जगह राउंड होती है, बिल्कुल तुम्हारे मार्क्स की तरह। और तुम्हारे हाथों में बुक्स की जगह बास्केटबॉल होनी चाहिए। मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है क्या? घुस रहा है। पढ़ाई करके तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आहा, फिजिक्स। हेलो, बीकॉम में क्या सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी नहीं जानते? तुम्हें लगता कि हम लोग ये नहीं जानते हैं? अरे सारे सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए इसे ले जा रहे हैं। ये क्यों लेकर आए हो? अकाउंट्स पढ़ने के लिए। ये अकाउंट्स की किताब नहीं है, टेलीफोन डायरेक्टरी है। टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, समझ गए ना? ये कौन सी किताब है? टेलीफोन डायरेक्टरी। पता नहीं क्या पढ़ने आ गई हम। Stop it. वापस से यही गाना, पिछले साल भी यही गाना गाया था। हे स्वामी करके नाची थी, लेकिन वो स्वामी कहाँ आया बताओ? अरे मैं प्रिंसिपल हूँ, ये जानकर भी मेरे पर जूते चप्पल फेंके गए थे। मेरा मेडिकल बिल 3,000 आया था और कुर्सी का खर्चा 10,000 रुपए हुआ था। तो आपका मतलब है ये डांस प्रैक्टिस बंद? मैंने ऐसा कब कहा? मगर ऐसा गाना गाओगे और नाचोगे तो वहाँ कोई नहीं बैठे वाला। गाना गाना हो तो कोई मस्त गाना और मस्त नाच होना चाहिए। हे, तुम लोग कोई एक देसी ट्यून बजाओ रे। स्टॉप, ट्यून बजानी हो तो ऐसी ट्यून बजाओ वरना साइलेंट हो जाओ। प्रैक्टिस बहुत हो गई, देर हो रही है, अब चलो सब। लेकिन कृष्णा कौन बना? मैंने एक लड़की को भेजा था, बहुत अच्छा लड़का है। क्या हुआ? आया था मैडम, लेकिन क्लासिकल डांस कहा तो डर कर भाग गया। उसे बिल्कुल भी अकल नहीं है मैडम, तुम लोगों ने उसे डरा कर भगा दिया होगा। लड़कों को कैसे मैनेज करते हैं ये मैं जानती हूँ। मैं दूसरे लड़के को बुला कर लाऊंगी। ठीक है, आप जाकर ट्राई कीजिए, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तुम लोग डांस की प्रैक्टिस करो, मैं जाकर किसी और लड़के को पकड़ कर ले आती हूँ। कम ऑन गर्ल्स, 1, 2, 3, 4। अरे तुम लोग तो फिर भी पढ़ाई कर लेते हो, लेकिन मुझे बायोलॉजी नहीं आती, जानते हो ना। गुड मॉर्निंग मैडम। हमारे ड्रामा में एक रोल है, तुम में से कोई करेगा क्या? ये क्या मैडम, आपके ड्रामा में देखने वाले ज्यादा करने वाले कम है। 16 लड़कियों के बीच में एक ही लड़के का रोल है। क्या कहा, कोई बड़ा रोल है क्या मैडम? सुन, कहीं तू बकरा ना बन जाए। मैडम कोई ऐसी रोल तो नहीं है जिससे मेरी बेइज्जती हो जाए? नहीं नहीं नहीं, माइकल जैक्सन का रोल है। टक 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 टक, ऐसे ठीक कर रहा हूँ ना। वहाँ 16 लड़कियाँ वेटिंग में है। अरे मैडम नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे, नहीं मैडम नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा। जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, अरे रुको सर, मुझे बचा लीजिए सर। तुम क्यों ऐसे तंग कर रहे हो? व्हाट इज द मैटर, व्हाट हैपेंड सर? माइकल जैक्सन बोल के कृष्णा का गेटअप दे दिया है सर। ये सब क्या किया मैडम? नहीं सर, मैंने तो इसे कृष्णा भगवान के बारे में ही बताया था। लगता है इसने कुछ गलत सुन लिया। मेरी कोई गलती नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन तुम्हारा गेटअप तो अच्छा ही दिख रहा है। लास्ट टाइम इसी गेटअप में मैंने टमाटर और जूते खाए थे सर। फिर से मैं वही नहीं करना चाहता हूँ सर। तूने भी तुम क्यों टमाटर फेंके थे? मैडम अगर इस तरह का गेटअप रखोगे तो कौन देखेगा? कोई फिल्मी गाना रखो ना जो धमाल कर दे। टीवी में प्रोग्राम अच्छा ना हो तो चैनल बदल देते हैं। नहीं मैडम, ये हाथ नहीं, आपका पैर मान लिया। बिना टच की बात नहीं कर सकते हो क्या? ठीक से बात करो और हिंदी में बात करो। हिंदी में बोलो, मुझे अच्छी तरह से याद है बॉस। आप हिंदी में कैसे पास हुए थे बोलिए। मैं फ्लैशबैक में नहीं, आपका देवानंद था सर। अरे इसे क्या हुआ, क्यों खींच रहे इसे? चलो खींच रहे इसे, उठो। अरे स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। इस तरह का रोल आजकल कौन देखेगा? आपको डांस करवाना है ना, तो किसी अच्छे डांस नंबर पे डांस करवाइए, सबके सब देखेंगे। स्टार्ट। रवि एक मिनट, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था। थैंक्स। रवि रवि, तुम सब में इतने एक्टिव हो तो फिर पढ़ाई से क्यों डरते हो? वो इस बॉल को वह उस बास्केट में डालो। यस, तुमने यहाँ से बॉल उस बास्केट में डाल दिया, मतलब तुम्हारी कंसंट्रेशन बार बहुत अच्छी है। यही कंसंट्रेशन अगर स्पोर्ट्स के साथ साथ तुम पढ़ाई में लगाओगे तो डेफिनेटली टॉप रैंक से पास हो जाओगे।
ए रवि आना आना बास्केटबॉल आना जल्दी चल। ये क्या नाटक कर रहा है? चलो रे यहाँ बैठ करके टाइम क्यों खराब कर रहा है, चल हमारे साथ। अरे चल यार, टेक योर सीट, टेक योर सीट। यस, गुड मॉर्निंग सर। हे तुम लोग इस तरह उल्टे क्यों बैठे हो, मुझे देख करके क्या, सीधे हो जाओ। सर मुझे एक डाउट है सर। मैंने अभी तक अपनी शर्ट ऊपर नहीं की और तुम्हें डाउट हो गया, जाके बैठो अपनी जगह। मुझे अगर डाउट होगा तो मैं किससे पूछूंगा, लाइफ में सबको डाउट होता है, खुद सॉल्व करना पड़ता है। वापस उल्टा क्यों बैठ गए, सीधा होकर बैठो। उल्टा बैठा हूँ क्या? अच्छा, लेक्चरर को फेस करना सीखो, क्लास का ये फंडामेंटल नियम है। मैं उल्टा होकर पढ़ाऊं तो कैसे चलेगा? आज मुझे डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हमें कौन बताएगा, बोलो। मैं बताती हूँ सर। टोपी तुम जरा बताओ, जरा टोपी निकालोगे अपनी? बोलो, चलो जल्दी बताओ मैंने क्या पूछा है। वेनु तुम बताओ। रोना बंद करो, मेरी क्लास में आंसू मत बहाना। वेंकटेश जरा तुम बताओ। आप कुछ भी कीजिए सर, मेरा दिमाग मत खाइए। कुछ भी करेगा क्या मतलब, तुम बहुत बड़े विद्वान हो क्या? देखो कैसे बात कर रहा है, तो तुम बताने वाले नहीं हो सर। आप एक नंबर के अल्टर है सर, ये लोग हाथ उठा के बोल रहे हैं मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, तुमसे पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? मेरे साथ कोई राजनीति मत खेलिए। राजनीति? मुझे पता था तुम यही कहोगे, राजनीति। कल तुम लेक्चरर बनोगे तब पता चलेगा, हम तो मरते हैं दिन रात हाथ में लिख लिख कर। रवि तुम बताओ, बताओ। लॉस होगा सर। है? क्या लॉस होगा? हाँ सर, लॉस ही होगा। अच्छा बैठ जाओ, लेकिन तुम तो प्रॉफिट में हो बेटा। वसु क्या है, थैंक यू कहना है क्या? तुम ट्यूशन पढ़ाओगी ऐसा बोली थी ना। मैं? और क्या, कॉलेज खत्म होने के बाद आज से स्टार्ट करें? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। प्लीज प्लीज प्लीज। ए सॉरी रवि, प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, मुझे पढ़ना है। रवि ये क्या बात हुई भाई, लड़की आ गई तो तू अपने दोस्तों को भूल जाएगा क्या? ए छोड़ो उन्हें, ध्यान मत दो। मुझे लगता है हमें कहीं और जाकर पढ़ना चाहिए। चलो सर, नाश्ता खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं? नाश्ते का 10 रुपया, खाने का 20 रुपया, जहाँ कोई भी ना आता जाता हो वो जगह दिखाता हूँ, चलिए। सॉरी सर, हम वैसे लोग नहीं है, हम पढ़ाई करने आए हैं। झूठ क्यों बोल रहे सर, आप लोग जवान हैं, पार्क में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात कोई मानेगा क्या? कोई अंधा भी ये देख कर बता सकता है कि आप लोग लवर्स हैं। चलिए सर। वसु एक अच्छी जगह है, चलो। किसी दूसरे पार्क में? नहीं, मेरे घर पे। बड़ा घर, इस घर में कितने लोग रहते हैं? मैं और मेरे डैड। इतने बड़े घर में सिर्फ दो ही लोग? हमारे घर में कितने लोग रहते हैं जानते हो? मैं, मम्मी, पापा, आंटी, चाचा, चाची, उनके दो बच्चे और पापा के साथ काम करने वाले 4 लड़के और सारे सर्वेंट्स मिलाकर कुल 17 लोग रहते हैं हमारे यहाँ पर। और हमारा घर कितना बड़ा है जानते हो? तुम्हारे घर के बाथरूम जितना। तुम एक काम करो, तुम दोनों वहाँ चले जाओ और हम सब लोग यहाँ आ जाते हैं। बहुत अच्छी बातें कर रही है, कौन है ये लड़की? इसका नाम है वसुंधरा, ये मेरी क्लासमेट है। नमस्ते अंकल। मेरे दादाजी दत्ताराव, मेरे दादा, पिताजी, उस्ताद, सब कुछ बस यही है। और ये इनकी पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। और ये है रंजना, हमारी हाउसकीपर। हेलो। हाय। और तुम्हारी माँ? नहीं है बेटी, मैं ही इसे बचपन से
पाल रहा हूँ। ओ, तो इसलिए लड़कियों से तुम इतना डरते हो। तो टोटल हो गया 15 लाख। चलो अंदर चलकर पढ़ाई करते हैं। दत्तारा जी मालिक, आइए। यूएस से मेरा एक पार्सल आने वाला था, आया क्या? आया था साहब। गुड, उसे मेरे रूम में पहुंचा दो। रंजना आई। ये सब क्या है? रवि बाबू की क्लासमेट आई है, वो दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। वो घर में है क्या? रवि कम हियर, माय सन, मेरे साम्राज्य का वारिस। मेहता को तो जानते हो ना, ये उनकी पत्नी है, मिसेज मेहता। आज रात मुझे कंपनी देने आई है। नमस्ते आंटी। हाय डार्लिंग। ये कौन है बेटा? ये मेरी फ्रेंड है डैडी, वसु। कम। इसका नाम वसु है डैडी, मेरी क्लासमेट। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? दूध का व्यापार करते हैं। दूध का व्यापार करते हैं? तुम एक करोड़पति के बेटे हो, मेरे 200 करोड़ के इकलौते बारिश हो। इस तरह दूध बेचने वाली या गोबर उठाने वाली से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। डैडी ये मेरी फ्रेंड है डैडी, इसके सामने ऐसी बात करना ये अच्छा नहीं लगता। चुप रहो, तुम मुझे समझा रहे हो? बता रहो साहब। इस लड़की को अभी बाहर भेज दो, ऐसी लड़कियां इस घर में नहीं आनी चाहिए। तुम लोग क्या करते रहते हो यहाँ पर? डैडी प्लीज, डैडी डैडी वो। नो डार्लिंग, योर फादर इज राइट, मांग कर खाने वालों के पीछे तुम्हें घूमना नहीं चाहिए। शट अप रवि। रवि जाने दो उसे, घर आई हुई मेहमान की बेइज्जती कर रहा है वो। कूल डार्लिंग, कूल डार्लिंग। मैं अगर उसे गुस्सा ना दिखाऊं तो वो कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। इस सिचुएशन में क्या बात करनी है मुझे पता नहीं, पर आई कैन से वन थिंग रवि, आज अभी से तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चाहे तुम्हें कोई खुशी हो या कोई दुख हो, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरी माँ कैसी थी मैं नहीं जानता, वो बचपन में ही चली गई। फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन रोज़ मेरे घर में गेस्ट आती है। जिस तरह तुम प्यार से बातें करती हो, वैसे मेरे डैडी ने आज तक मुझसे कभी बात नहीं की, इसलिए कैसे रिएक्ट करना है ये बिना जाने मैंने तुम्हें हक किया। आई एम सॉरी। अब से हम दोनों के बीच सॉरी थैंक्स नहीं होना चाहिए, ओके? ओके। मेरे पिताजी एक बेटा चाहते थे, पर जब मैं पैदा हुई तो वो माँ से बहुत नाराज़ हो गए, और गुस्से में दादाजी ने भी अपनी सारी जायदाद आंटी को दे दी। आंटी की हाँ के बिना पिताजी कोई काम नहीं करते। अच्छा। बाय बाय। हे, बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रही हो? बाय का मतलब क्या होता है जानते हो? सही सलामत जाइए। इस फ्लाइट में मेरी भी कोई पहचान का होगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ओह, ऐसी बात है? तब तो थैंक्स। किस लिए? क्योंकि बाय तुम बहुत बार बोल चुकी हो। आ जाओ रवि, ये है मेरा घर। ओके रवि, बाय बाय। कौन है ये? मेरा क्लासमेट है। क्यों? कितने दिनों से ये कहानी चल रही है? पापा बिना सोचो समझे ऐसी बातें मत कीजिए, वो मेरा फ्रेंड है। जरा नखरे तो देखो इस लड़की के, हा? आधी रात को लड़के के साथ घूम रही है, बाप पूछ रहा है तो कह रही है मेरा फ्रेंड है, बेवकूफ समझती है। आंटी
आप हमारी बातों में टांग मत अड़ाया कीजिए। जरा देखा इसे, आज कह रही है कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, कल गर्भवती होकर आएगी तब भी यही कहेगी। कौन है वो बता मुझे। मेरा पति है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करूँगी। अब ठीक है ना? और कुछ जानना चाहते हैं आप लोग? मैंने अब तक वसु से प्यार नहीं किया, लेकिन अभी मैं कहता हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ। जो करना है वो करो, जाकर बोल दो अपने शंकर भाई को, जाओ। क्यों रवि, क्या हुआ तुम्हें? तुमने अपने घर में हम दोनों के बारे में क्या कहा था? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा कहा था क्या? पापा कहाँ हैं? क्या हुआ बेटी? पापा को जरा भी अकल नहीं है। कुछ समय मैंने कह दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे शादी करूंगी, तो उन्होंने कॉलेज में गुंडे भेज दिए। ये सब क्या है माँ, हर बात में लड़ाई झगड़ा। तुम दोनों के बीच में कुछ तो है ना? तूने ही कहा उससे प्यार करती है, उससे शादी करेगी, वो तेरा होने वाला पति है। माँ वो ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझसे मत कहना। प्यार करती है ना तभी इतनी तकलीफ हो रही है, अगर प्यार नहीं करती तो इस तरह से मेरे पास नहीं आई होती। तुम जिस तरह मुझसे प्यार से बात करती हो, वैसे मेरे पापा ने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की, इसलिए कैसे रिएक्ट करना है मैं समझ नहीं पाया और तुम्हें हक कर बैठा। आई एम सॉरी। अरे कहाँ खोया है? क्या बोला? तू हर रोज हमारे साथ घूमता था, आज अकेले घूम रहा है, हवा में उड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यार। कुछ नहीं, लेकिन जब वो गुंडे आए थे तो तुमने कहा कि मैं वासु से प्यार करता हूँ, जो करना है वो कर ले। ये बात हर कोई नहीं कहता है, एक प्रेमी ही कहता है। अरे क्या बोल रहा है यार तू? आ जाओ। क्या हुआ? नहीं यार, मैं उसे पसंद करता हूँ, तभी तो खेलना बंद करके पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूँ। हाँ वो मेरा पति है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करूंगी, ठीक है ना? तुम दोनों के बीच में कुछ तो है ना? तूने ही कहा उससे प्यार करती है, उससे शादी करेगी, वो तेरा होने वाला पति है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझसे मत कहना। प्यार करती है ना तभी इतनी तकलीफ हो रही है, अगर प्यार नहीं करती तो इस तरह से मेरे पास नहीं आई होती। आज मैंने तुम लोग को जो पढ़ाया, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो। कुछ भी समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से बताइए ना। वाह, फिर से बताना होगा? यहाँ पर दिमाग फ्री में नहीं आता है भाई कि बार बार पूरा बताऊंगा। एक बात याद रख लो, कभी ऐसा सवाल मत पूछना कि लेक्चरर को ही डाउट हो जाए। सही में डाउट है तभी पूछा करो, समझ गए? कितना नाटक करता है यार तू। अरे लड़की तुझे देखकर हंस रही है तो पास में जाकर उससे बात करना, ऐसे पागलों की तरह हरकत क्यों कर रहा है? वैसे भी तो तेरा मन हो रहा है ना कि उसे फोन करके उससे बात करें। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसे तो लड़कियों से बात करना ही नहीं आता है, क्या हो गया है तुझे आज?
पहले तो तुझे उसकी कोई भी बात पसंद ही नहीं आती थी, और अब पता नहीं मैं उसे अपने मन की बात क्यों नहीं कह पा रही। हेलो, क्यों रवि इतनी देर से फोन क्यों किया? सॉरी, तुम वेट करोगी ये सोचा नहीं था। बोलो ना। नहीं कुछ नहीं, मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता था, लेकिन कैसे पूछूं ये समझ में नहीं आ रहा है। सेम प्रॉब्लम। क्या कहा? कुछ नहीं, तुम बोलो ना। अगर मैं बोलूंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ऐसा कह रहा है? कहीं मुझसे आले भी तो नहीं कहने वाला है? पता नहीं मैं क्या करूंगी। हाँ बोलो ना। बोल दूं क्या? यस। गुस्सा तो नहीं करोगी ना? नो। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। अभी मैं अकाउंट्स को बोर्ड पर लिखूंगा, आप लोग उसे अपने अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, बाद में उसे याद कैसे करना है मैं बताऊंगा। ओके? क्यों बच्चे? लड़का और लड़की एक साथ इस क्लास में नहीं बैठेंगे, समझ गए? चलो उठो, हटो हटो। सर, आपके ऐसे सोचने की वजह से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बिगड़ गया है सर। मेरी वजह से बिगड़ा है? तो जरा बता दो मेरी वजह से कैसे बिगड़ा है। बिल्कुल सर, आप एक लड़का और लड़की को दूर दूर बिठाते हो, उससे अच्छा पास बिठाया करो, दोनों में बातचीत होगी, दोनों में दोस्ती होगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं दोनों। और वैसे भी ये लड़कियां जो हैं, ये इसी तरह की सोच रखती हैं, वो लोग इसके बारे में, ये लोग उनके बारे में सोचते सोचते आप बोर्ड पर क्या लिखते हो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं सर, और इस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह डाउन हो गया है। लिख लिख करके एक टेंशन तो मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, दूसरा टेंशन कहाँ से झेलूं मैं? देखो मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, जो करना है करो, तुम लोगों की मर्जी। देखो क्योंकि बहुत सारे नियम हैं, पढ़ाना बहुत जरूरी है, कोर्स बहुत बाकी है। देखो मैं अपना काम करूंगा, और देखो इसको लिखना है, पहले ऐसे लाइन खींचनी है और एक एक करके अपने नोटबुक पर इसे बनाना है। लो भाई हो चुकी है पढ़ाई। छोटे मालिक आए हैं। अरे डैड, आपको आकर कितनी देर हुई है? इसे तो आप अच्छे से जानती हैं, ये वसु है मेरी दोस्त, और इतना ही नहीं हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और इसके पिताजी शंकर यादव मुसाराम बाग में बहुत बड़े दूध के व्यापारी हैं। चलो वसु पढ़ाई करते हैं, आओ ना। दूध बेचने वाले फकीर की बेटी से मेरा बेटा प्यार करता है, नाम है शंकर यादव, उसे शंकर पहलवान के नाम से भी लोग बुलाते हैं, वो लोग मुसाराम बाग में रहते हैं। उस लड़की ने मेरे बेटे को ऐसा फंसाया है कि वो उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन अब से वो लड़की मेरे बेटे की ओर आंख उठाकर भी ना देखे। शंकर कहाँ है? शंकर घर में नहीं है, चाय पियोगे क्या? कहाँ गया वो? नहीं जानता, पर उसने किया क्या है? कमिश्नर साहब ने बुलाया सर, है। शंकर यही है सर। क्यों मजाक कर रहा है बे? वो शंकर नहीं है। तो फिर कौन है? सर यही है सर, शंकर। बताया ना वो नहीं है। चल घूर क्या रहा है बे? चल। कौन है ये पुलिस वाला जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाया? कौन है बे तू? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कौन है बता? ए, चल।
जल्दी जल्दी, चलो 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 उसके पीछे, देखती हूँ आज उसे। लड़की को आगे मत पढ़ाना, ऐसा दीदी ने मुझे बहुत पहले कहा था। ठीक है, तुम इस तरह के कपड़े पहनती हो, एक छोटी बच्ची हो ये सोचकर हमने छोड़ दिया था। मैंने बहुत धंधे किए लेकिन एक बात आज तक कभी नहीं हुई कि पुलिस मुझसे टकराई हो। पब्लिक मुझे देख के थर थर कांपती है, लेकिन आज क्या हुआ ये सब? दोबारा अगर तू उस प्यार के चक्कर में पड़ी ना तो मैं तुझे और उसे दोनों को काट दूंगा। अब जो भी कर लीजिए, मैं रवि को नहीं भूल सकती। भूलना होगा। मेरी बच्ची। ए! क्यों इसे बचाने की कोशिश कर रही है? ए! तेरी बेटी जो ये हरकतें कर रही है ना, तेरी बीवी की वजह से। बेटी को कंट्रोल में रखना है तो बीवी को कंट्रोल में रख। क्यों रे, क्या कहा था तूने हमसे? प्यार करती है उस लड़के से? हाँ क्यों बे, प्यार के बगैर जिंदा नहीं रह सकती? हम नहीं रहे क्या जिंदा? हम बड़े नहीं हुए, हमने तो प्यार नहीं किया। अब दोबारा मेरे सामने, मेरे इलाके में या फोन पर किसी भी तरह प्यार का नाम सुना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके बाहर जानवरों को खिला दूंगी, समझी? रवि, हाँ? तुम्हारे डैडी ने मेरे पापा को पुलिस से मार के दिया। कभी? कल। चलो बैठो। हेलो डैडी, मैं हूँ। फोन रखो। मैं फोन रखता हूँ, लेकिन पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। वसु के पिताजी को आपने पुलिस के हाथों मार क्यों खिलाया? अगर आप इस तरह डराओगे तो मैं वसु को भूल जाऊंगा, ऐसा समझ रहे हो? डैडी, आपको अगर मेरे प्यार से प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, लेकिन दोबारा आप ऐसी पागलों जैसी हरकतें प्लीज मत कीजिए। और मैं दोबारा कहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, वसु मेरी जान है, दैट्स ऑल। अब फोन रखिए।
तुम्हारी बेटी कहाँ है? दिल्ली में। कल वो यहाँ पर होनी चाहिए। 10 दिनों में तुम्हारी बेटी से मेरे बेटे की शादी होगी। दादाजी, ये क्या पार्टी चल रही है? हाँ बेटा, साहब ऊपर बैठे हैं, तुम्हें आते ही ऊपर बुलाया। हाँ आओ रवि, आओ आओ। तुम्हारे लिए मैंने इस पार्टी का इंतजाम किया है। आज यहाँ पर बहुत सारे बिलियनर्स आए हैं और उनके साथ आई हैं उनकी बेटियाँ। वो जिसने हाथ में ब्लैक रिबन बांधा हुआ है वो MP उपेंद्र की बेटी है। उससे शादी करोगे तो हमें पॉलिटिकल मदद मिलेगी। वो व्हाइट टी शर्ट में जो लड़की है वो NRI है। ओवरसीज में हमारे बिजनेस को डेवलप करने में काम आएगी। वो लड़की जो सिगरेट पी रही है सॉफ्टवेयर टाइकून KL राव की बेटी है। बाकी जो लोग हैं वो मेरे कलीग्स और उनके डॉटर्स हैं। इन सब में जो सबसे अच्छी है मिसेज मेहता की बेटी, वो ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है। हाय हाय नॉटी। इकलौती बेटी है, 80 करोड़ की मालकिन। लेकिन आप और मिसेस मेहता तो वो है और ये वो कहीं भी घूमे तो मिसेज मेहता ही रहने वाली है। तुम उसकी बेटी से शादी करोगे तो वो मिसेज रवि बनेगी। पैसे वालों के लिए ये आम बात है, डोंट मिक्स बिजनेस एंड प्लेजर। डैडी, वसु मेरी जान है और मैं उससे ही शादी करूंगा। क्या है उस लड़की में? तुमने उसे पसंद किया है तो उसे इस्तेमाल करके छोड़ दो। तुम शादी करोगे तो मिसेज मेहता की बेटी से ही। जाओ तैयार हो जाओ। हेलो वसु, तुम तुरंत मेरे घर पे आ जाओ। क्यों? मेरे डैडी ने यहाँ पर छोटा सा स्वयंवर का आयोजन किया है और वो चाहते हैं कि इन सारी लड़कियों में से मैं अपनी पसंद की लड़की चुनूं। अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हें चुन लूंगा। कोई गड़बड़ हो गई तो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बहुत। तो तुम्हें यहाँ आना होगा बस। रास्ते से हटिए। क्यों हटूं मैं? दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा। आप लोगों से मेरे डैडी ने क्या कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस लड़की को पसंद करता हूं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वसु, आप सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर, प्यार को साक्षी मानते हुए, इसे अपनी पत्नी स्वीकारता हूं। पापा,
स्टॉप इट, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ऐसा कुछ नहीं है सर। ए, चुप कर दो, आप अंदर आइए। उन दोनों को देख रहे हो? उन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। जैसा मैं कहूंगा वैसा करना। अपने बच्चों को बुलाओ और उनसे कहो कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? आपने कभी किसी से प्यार किया है क्या? अभी उन सब की क्या जरूरत है? प्यार करने वाला ही प्यार का पावर जानता है। प्रेमियों को अलग नहीं कर सकते। आप उन्हें जितना अलग करना चाहेंगे वो उतना पास आएंगे। सच्चे प्रेमी कभी जायदाद, कुल, गोत्र ये सब कुछ नहीं देखते हैं। उन्हें भरोसा देकर ही धोखा देना होगा। उनसे कहो कि तुमने उनके प्यार को मान लिया है और पढ़ाई पूरी होने के बाद आप उनकी शादी करवा देंगे। ये भरोसा दिलवाइए उन्हें। सर ये सब आप क्या बा... पहले उन दोनों को अलग करो, फिर अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा देना। प्रॉब्लम सॉल्व। तुम अपनी बेटी की शादी अभी से अभी करवाओ। जितना पैसा चाहिए उतना मैं तुम्हें दूंगा। ए, अबे तू मुझे क्या पैसा देगा? तुझे चाहिए जितना मैं दे सकता हूँ। तुम कूल डाउन आई से। उन दोनों को अंदर बुलाकर बात करो। आप दोनों के पिता ने एक समझौता किया है कि आप दोनों को पहले पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा और पढ़ाई पूरी होने तक ना आप दोनों आपस में मिलेंगे ना बात करेंगे। पढ़ाई पूरी होने तक अगर आप दोनों का प्यार पहले जैसा ही रहा तो फिर ये दोनों आपकी शादी करवा देंगे। क्या आप दोनों को ये शर्त मंजूर है? हमें मंजूर है क्योंकि हमारा प्यार झूठा नहीं है, कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैं रेडी। वेरी गुड। फ्रॉम नाउ द एग्रीमेंट स्टार्ट्स। दादाजी, डैडी हैं क्या? कोई मीटिंग है इसलिए मॉर्निंग फ्लाइट से मुंबई गए। भाई साहब, आपसे मिलने कोई आया है? आ रहा हूं। हेलो। हाय। ए, ये क्या कर रहे हो? पढ़ाई पूरी होने तक बात नहीं कर सकते ना? ये बात तो मैंने नहीं कही थी। ये क्या कह रहे हो? ये लोग तो रूल्स बनाते रहेंगे, लेकिन तुम बिना मिले रह सकती हो क्या? मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझसे भी नहीं हो पाएगा। एक साल तक तुम्हें बिना देखे और बात किए रहना है, ये सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है। एक साल? कल जो कुछ भी हुआ उससे मेरा प्यार तुम्हारे प्रति और भी बढ़ गया है। अभी के अभी शादी करने का मन कर रहा है तुमसे। हे, तुरंत अपने स्पॉट पर आ जाओ ना। क्यों? क्योंकि अभी के अभी तुमसे मिलने का मन कर रहा है। ओके, मैं तुरंत पहुँचती हूँ। हेलो। हाँ, साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल में है? मैं तुरंत भेजता हूँ। मुंबई में साहब का एक्सीडेंट हो गया है। कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है। उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बस मुझे इतना ही पता है। सर, आधे घंटे के बाद एक फ्लाइट है। अरे तुरंत बुक करो, जल्दी चलो। वहाँ पहुँचते ही फोन करना। ठीक है दादाजी। कौन सी फ्लाइट है? प्लीज कम सर, दिस वे। क्या हुआ है? वाइजैक में एक्सीडेंट हुआ, इसलिए हैदराबाद शिफ्ट किया है। आ जाओ। Yeah.
एक्सक्यूज मी सेकंड सर थैंक यू वेलकम मुंबई जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है इसी वक्त से तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा यहाँ से भागने की कोशिश की या खाना न खाने का कोई नाटक किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ चार दिनों के बाद आऊंगा अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसकी आंखें फोड़ देना इसका और उस लड़की के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए और आगे क्या करना है वो मैं देखता हूँ मैडम मैडम आपकी किताब सर सर आपकी किताब गिर गई सर है ये बुक उठा मैंने तुम लोगों से कहा बुक उठाओ अच्छा मैडम 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 की बुक गिरेगी तो उठाओगे मेरी नहीं उठाओगे मेरी सही उठाओगे मैडम की उठाओगे मैडम की बुक उठाओगे मैडम की उठाओगे बुक उठाओ सर साफ करो उसे साफ करो उसे ये मेरे कपड़ों से नहीं अपने कपड़ों से हंसते हुए ऐसे थैंक्स अटेंशन वो जैसे कर रहे वैसे करो लेफ्ट राइट शाम तक मैं आऊं तब तक ऐसे ही करते रहो मैडम की बुक उठाएं रवि मिला था क्या नहीं आज तो वो कॉलेज आया ही नहीं सुबह मुझे फोन करके मुझे मिलने के लिए बुलाया पर पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गया तुम घबराओ मत चलो उसके घर चल के देखते हैं आ जाओ घर में कोई नहीं है वो लोग कहाँ गए हैं कब आएंगे उन्हें नहीं पता सुनो मुझे बहुत भूख लग रही है घर में खाने के लिए कुछ है क्या
हम सब चाचा के घर जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ का वास्तु ठीक नहीं है बेटी। ए, गाड़ी निकाल, चल बेटा। ए ए हट, चल चल चल, हट हट चल चल, ए चल। दीदी दीदी आइए ना, चलो आइए आइए। मुझे पानी चाहिए। मैं देता हूँ। नहीं, मैं दूंगी। भाई साहब पहचाना मुझे? मैं हूँ, मैं। इसे तुम खोखली धमकी मत समझना। क्या हुआ?
हेलो हेलो, मैं पावनी से बात कर सकता हूँ? वन मिनट। ए पावनी, तुम्हारा फोन आ रही हूँ। हेलो पावनी, मैं रवि बात कर रहा हूँ। कहाँ हो रवि? यहाँ वसु तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई है। रवि मैं तो मुंबई में हूँ। आज रात को 8 बजे तुम उसे मुझे फोन करने के लिए कह सकती हो? उससे बात करना बहुत ही मुश्किल है रवि। उसकी आंटी हमेशा उस पर नजर रखे रहती है। उसकी माँ को भी उसके पास नहीं जाने देते। ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। थैंक यू पावनी, मेरा नंबर लिख लो 6344-91। पावनी प्लीज किसी भी तरह से उससे मेरी बात करवा दो। ओके। हे वेंकटेश, तेरी गर्लफ्रेंड आ रही है। वो क्या मेरे पास आ रही है? लव यार, आजकल लोग खूबसूरती से ज्यादा इंसानियत को देखते हैं, इसीलिए वो तेरे पास ही आ रही है। बस कर यार। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो साइड में चल के बात करते हैं। ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं है। तो कुछ नहीं, वासु को बस एक मैसेज देना था। उसकी आंटी हमेशा उसके साथ ही रहती है। इसलिए तुम्हें लेक्चरर के पास जाकर रवि के बारे में मैसेज देना था। क्या, मैं तुम्हें कुरियर बॉय लगता हूँ? तभी तो हम तुमसे हेल्प मांग रहे हैं ना। क्या पावनी, तुमने मेरा सबके सामने इंसल्ट कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, आज तुम सब इकट्ठे हो, कहीं कोई खास बात है क्या? सर वो महाभारत में कृष्ण ने जो काम किया था, रामायण में हनुमान ने जो काम किया था, स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी ने जो काम किया था, इसे करने की नौबत आ गई सर। ये तुम लोगों की कोई चाल है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो तुम लोग लेक्चरर के काम से मुझे हटाकर कुरियर बॉय बनाना चाहते हो क्या? नहीं बात कर रहे हैं सर, आपके टैलेंट के हिसाब से आपको प्रिंसिपल होना चाहिए था। अच्छा, मुझे मस्का लगा रहे बेटा, आप कैसे सीधे साधे भोले भाले हैं सर। स्मार्ट बॉय, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। तुमने लिखा है क्या? नहीं, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं तो लिख ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। थैंक यू सर। अकाउंट्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं डील करता हूँ। रवि कृष्णा साथ में बिजनेस करके अलग हो गए। रवि मुंबई चला गया। वेंकटेश, रवि किधर गया? मुंबई गया सर। मुंबई चला गया। जाते समय कृष्णा ने रवि को बाकी नहीं दिए। 63,44,499 पैसे। आई रिपीट, रुपए नहीं पैसे। क्या सोच रहे हो? इस पैसे को एट द रेट ऑफ 0.22% इंटरेस्ट के हिसाब से बराबर एक महीने के बाद, मतलब आज के दिन रात को 8 बजे उसका बेस्ट फ्रेंड उसके घर के दीवार के उस पार उसका इंतजार करेगा। उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका पार्टनर उससे मिलेगा या नहीं, कौन बताएगा? वसुंधरा, तुम सबसे ज्यादा दिमाग वाली हो ना, जरा बताओ। देखा सर। गुड। कहाँ जा रही हो? कपड़े चेंज करने के लिए।
ये साड़ी बीच में क्यों डाली है? हटाओ। हेलो, कैसे हो रवि? तुम कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ। और तुम? मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं खुश नहीं हूँ रवि, तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं रह सकती। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। रवि, मेरे घर पर सब मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो मैं नहीं जानती। बहुत बुरी हालत है रवि, दिन भर रोती रहती हूँ। रवि प्लीज, रवि। तुम रोगी तो मैं सह नहीं सकता। आई नीड यू रवि। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझसे बात करो। अभी ड्रेस पहने हुए कोई लड़की यहाँ पर आई थी फोन करने के लिए? सच सच बोल। हाँ आई थी। यहाँ से फोन किया उसने? हाँ किया। कहाँ किया? मुंबई। क्या? मुंबई। मुंबई। कहाँ गई थी? तो मैं कहाँ गई थी, बाथरूम में ड्रेस चेंज कर रही थी। कसम खाकर कहती मुंबई फोन करने गई थी और मुझसे झूठ कहती है। झूठ बोलती है मुझसे। तू झूठ बोलेगी मुझसे? तुझे तो सबक सिखा नहीं पड़ेगा। रवि क्या हो गया बेटा? लगता है वसु बहुत तकलीफ में है दादाजी। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा, सो जाओ। नहीं दादाजी, मैं वसु से मिलना चाहता हूँ। मुझसे झूठ बोलेगी? झूठ बोलेगी मुझसे? जान से मार डालूंगी। छोड़ दीजिए मेरी बच्ची। ए, मुझे धक्का दिया, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ठीक करके रहूंगी। हाथ लगाया मुझे। क्या कर रही थी तू? ये उसे लकड़ी समझा लड़की काटने जा रही थी इसे।
क्या बात है, धीरे धीरे बेटी से प्यार होने लगा है क्या तुझे? हाँ, तू प्यार के बारे में क्या जानती है? शादी के दूसरे दिन तेरा पति मर गया था, तो तू क्या जानती है कि प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है, बच्चा क्या होता है, परिवार क्या होता है? हाँ? भाई लगता है दीदी को मिर्गी आ गई है। ऐसे पापा, अरे लाना था तुम्हें। टिकट प्लीज, टिकट, टिकट। टिकट के दोनों गधे हो तुम लोग, एक को संभाल नहीं पाए, सिर्फ खा खा कर मोटे हुए जा रहे हो। थू, शर्म आती है तुझ पर, तेरी बेटी भाग गई और सुबह सुबह यहाँ पीने बैठ गया तू। जा जा, तलवार लेकर जा, काट के रख दे उन दोनों को। जा, सोच क्या रहा है, खा खाकर मोटे हो रहे हो। तुम में से एक भी उस लड़की को पकड़ नहीं पाया, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अकेली वो अकेली तुम लोगों को धोखा देकर भाग गई। क्या कर लिया तुम लोगों ने, मेरी बेटी है, मेरी प्यारी बच्ची है, देख लिया क्या किया उसने? यही कहा था ना रात को, मेरी प्यारी बच्ची है, तुझे क्या मालूम प्यार क्या होता है, तेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, देख लिया तेरी बेटी ने क्या क्या, भाग गई ना। तेरी जगह अगर कोई और होता ना तो काट कर रख देता उसे, टुकड़े टुकड़े कर देता उसके, पर तू देख हाथ पर हाथ धरे बैठा है। चुप कर, अगर दोबारा एक भी शब्द बोला तो ये बोतल घुसेड़ दूंगा। अरे हट, तू क्या मारेगा मुझे, मैं ही तुझे मार डालूंगी। भाई मुंबई का नंबर लाया हूं भाई।
हेलो, मैं हूँ शंकर पहलवान। मेरी बेटी तुम्हारे घर मुंबई में आई है क्या? वासु, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं आई। आई तो दोनों पैर तोड़कर फेंक दूंगा। हेलो हेलो, उसकी तो हट्टे। अंकल अंकल रवि, अंकल तुमने लिख लिया ना? जी सर, लिख लिया मैंने। हेलो, मेरा बेटा भाग गया है। वो लड़की उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई और फंस गई है। तो क्या करें? इसे खत्म कर देंगे तो कोई समस्या नहीं रह जाएगी। पंडित नाम का एक आदमी है, अच्छा शूटर है। अगर उसे सुपारी दी तो काम होने की गारंटी है। एक घंटे के अंदर उसे यहाँ भेजो। वो 5 पेटी लेगा। 10 पेटी देता हूँ। तुमसे मिलने के लिए कोई आया है? रवि, वसु कहाँ है? आओ मेरे साथ। हेलो पंडित, कैसे हो? हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। वर्ली सीफर्स आशीर्वाद बंगले से एक सुपारी मिली है। वहाँ राजेंद्र नाम का एक आदमी है, 5 पेटी की सुपारी मिली है। तुम जल्दी पहुँच जाना। हाँ ठीक है। पंडित, वो लड़की बगल वाले रूम में है, स्लम में रहने वाली है। 5 लाख रुपए, लाश तक नहीं मिलनी चाहिए। मालिक, छोटी बच्ची है मालिक। तुम अपना मुंह बंद रखो। आप जल्दबाजी कर रहे हैं मालिक। पैसा काम के बाद। तुम यहीं रुको, मैं जरा जाकर देखती हूँ। नमस्ते अंकल। वसु है क्या? नहीं है। नहीं है? कहीं गई है। कहाँ गई है? वो रवि से मिलने मुंबई गई है। ए शंकर, वो कमीना यहीं पर खड़ा है, जाकर काट के रख दो उसे। चीर देंगे। रवि तुमसे खुद मिलेगा, तुम यहाँ मत रुको। तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। जाओ, वो तुम्हें मार डालेंगे। Hey! 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 Hey
जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पे आपका बेटा हैदराबाद गया था, उस लड़की से मिलने उसके घर भी गया था, वहाँ गुंडों से उसका झगड़ा हुआ, उसे काफ़ी चोट भी आई थी, पर उसके बाद फिर वो कहाँ गया कुछ पता नहीं। कितना नीचे गिर गया है वो लड़की सुंदर भी नहीं है, कोई जायदाद भी नहीं है, उसके लिए वो क्यों मार खाता फिर रहा है? छीछी, इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को प्यार कहते हैं। प्यार में ऊंच नीच का पता नहीं चलता, एक बारी बीमारी पकड़ ली तो मरते दम तक नहीं छोड़ती। आप बेफिक्र रहिए, पंडित पे मेरा पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे मार के रहेगा। Thank you.
वसु वसु रुक जा वसु 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 ए वसु आगे खोलो वसु वसु प्लीज मुझसे बात करो वसु ए वसु 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 मैं हूँ वसु तुम्हारा रवि वसु हाँ वसु मेरी वसु तुम ठीक तो हो वसु तुम ट्रेन से क्यों कूदी रवि कुछ नहीं होगा वसु सब ठीक हो जाएगा वसु ओए वसु हमारे परिवार वाले नहीं चाहते कि हम दोनों एक हो जाएं मुझे कहीं दूर ले चलो रवि यहाँ से कहीं दूर ले चलो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ रवि मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से आओ मेरे साथ हे एक लड़की को देखा क्या वो उस तरफ जा रही थी कर आए हो जी यहां से 7 किलोमीटर दूर एक जगह है बेटा वहां बेफिक्र रह सकते हो ये ले लीजिए चलो उतरो कहिए कि आपने हमें यहाँ छोड़ा प्लीज तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा मगर किसी को नहीं बताऊंगा शुक्रिया टाटा चलिए टाटा बाय बेटा बाय बाय थैंक यू अच्छा ये भी 1 किलो दे दीजिए ठीक है
डैडी, आप जैसे बड़े लोग असल में हम बच्चों को क्या चाहिए ये ठीक से जानते ही नहीं हो।
कुल, गोत्र, जाति, पैसा, गरीबी, ऐसे 20 सवाल करके आप जैसे लोग हम प्रेमियों को अलग करना चाहते हो। हम बच्चों में भी तो मन होता है और वो बहुत ही छोटा है, उसे क्या चाहिए, इसे कभी आप लोगों ने जाना ही नहीं। डैडी ठीक है, कल सुबह ठीक 11 बजे असेंबली के सामने बीच सड़क पर वसु के गले में मंगलसूत्र पहनाकर मेरे प्यार की ताकत दिखाऊंगा मैं। आप और आपका पैसा, ये किलर्स और ये आपकी पुलिस, आप सब लोग मिलकर हमें बस रोक कर दिखाइए। कल सुबह ठीक 11 बजे असेंबली के Don't joke, I'm serious. आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं मैं, स्टूडेंट से पंगा मत लीजिए। पंगा लिया ना तो कपड़े फट जाएंगे। Come to gate number one. स्टूडेंट नहीं आने वाला, ये मैं जानता हूं। पीछे देखो, देख ले।
स्टूडेंट से पंगा मत लो कहा था ना, अब मार के दिखाओ। देख क्या रहे हो, फायर शुरू करो। सर इनमें मेरी बेटी भी है। इंस्पेक्टर ड्यूटी में कोई रिश्ता नहीं होता। सर आपकी बेटी भी है। सर स्टूडेंट्स पे फायरिंग के बारे में सोचना भी मत, ये स्टूडेंट्स है, क्या करेंगे कुछ भी नहीं पता। ये शांत रहे तो ही अच्छा होगा, अगर ये भड़क गए ना तो याद रखना यहाँ का जो सीएम है ना तो उसके अंदर ताकत है रोकने की और ना तो दिल्ली में बैठे पीएम के अंदर, फिर तो भगवान को ही कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर स्टूडेंट्स के पावर से सारा स्टेट हिल जाता है, पता है ना आपको। ये सही कह रहा है, शांत रहना होगा, गड़बड़ हो सकती है। कमिश्नर होकर ऐसी बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? डैडी सुबह ठीक 11 बजे असेंबली के सामने बीच सड़क पर इसे मंगलसूत्र पहनाऊंगा कहा था ना, घड़ी देखिए ठीक 11 बज रहे हैं। मंगलसूत्र की 3 गांठें बांधूंगा, हर गांठ के लिए 1 मिनट लगेगा, अगर रोक सकते हो तो रोक लीजिए। पहली गांठ। अगर मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं उसे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बेटा बेटा है अभी मालूम पड़ा, कभी पिता का फर्ज भी निभाया है, हमेशा पैसों के पीछे भागे हो, कभी बेटे को प्यार दिखाया है? पैसा लेके क्या ऊपर जाओगे? अरे दुनिया में तो पैसा हर कोई कमाता है, इन सारों को उन दोनों का प्यार दिखा सिवाय आपके, पिता कहते हैं अपने आप को। चिल्लाओ मत, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मार दूंगा तुम्हें गोली। तो जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। सर प्लीज चलिए, प्लीज सर प्लीज चलिए, यहाँ से चलिए प्लीज। रवि तुम मंगलसूत्र बांधो। मेरी बेटी की शादी हो रही है, इसे यहाँ से ले जाओ। चल 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 चल, छोड़ दो मुझे। तीसरी गांठ। मैंने कभी तुमसे ठीक से बात नहीं की, बुरा मत मानना। ए रवि ये क्या रे?